नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शॉर्ट बाय निशांत, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए न्यू वीडियोस। और मेरा मकसद यही होता है वीडियोस बनाने का कि मैं किसी तरह आपको एंटरटेन कर पाऊं और साथ ही साथ आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊं, आपकी लाइफ को किसी न किसी तरह थोड़ा बेटर बना पाऊं। सो गाइज, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो गाइज, ये दो दोस्तों की स्टोरी है जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। एक बार वो रेगिस्तान में जा रहे होते हैं, पैदल जा रहे होते हैं और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हो जाता है, दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और एक दोस्त दूसरे को थप्पड़ लगा देता है गुस्से गुस्से में। तो जिसे थप्पड़ लगा होता है वो बहुत उदास फील करता है उस टाइम पे और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके इतने करीबी दोस्त ने उसे थप्पड़ लगा दिया। तो वो वहां पे थोड़ी देर रुकता है और रेत के ऊपर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, जब हमारी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई और उसने मुझे थप्पड़ मारा लाइफ में पहली बार। सो ये लिखने के बाद वो आगे चलना स्टार्ट कर देते हैं और उसका दोस्त भी उसके साथ ही होता है, वो भी चलना स्टार्ट कर देता है। और थोड़ी आगे जाकर वो देखते हैं कि एक जगह है जहां पर थोड़ा सा पानी है और कुछ पौधे भी वहां पर उगे हुए हैं। तो वो पानी की तलाश में वहां रुक जाते हैं और देखते हैं कि वहां पानी का इंतजाम किसी तरह हो जाए। तो जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा होता है वो पहले आगे जाता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है जहां पर पानी है, तो देखता है कि उसके पैर उस जमीन में धंसने लग जाते हैं, उस रेत में वो फंसने लग जाता है। और ये देखकर तुरंत उसका दोस्त, दूसरा दोस्त आता है और उसे बाहर निकालता है। बिकॉज अगर वो बाहर नहीं निकालता तो वो वहां पे बुरी तरह फंस सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। बाहर निकल के वो उसका शुक्रिया करता है कि उसने उसे बचाया। और साथ ही साथ जिस दोस्त को बचाया होता है वो क्या करता है, वहां पर एक पत्थर पड़ा होता है, उस पर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, अगर वो मेरी मदद ना करता तो शायद मैं मर भी सकता था। तो दूसरा दोस्त ये देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और उसे पूछता है कि पहले जब मेरी लड़ाई हुई तुम्हारे साथ तो तुमने रेत पर लिखा कि मेरे दोस्त ने आज मुझे चांटा लगाया, मुझे थप्पड़ लगाया, और अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुमने पत्थर पर क्यों लिखा, रेत पर क्यों नहीं लिखा? तो उसने कहा कि जो भी हमारी लाइफ में नेगेटिव चीजें हैं उन्हें इस तरह याद रखो कि वो अपने आप आपकी मेमोरी से इरेज हो जाए, यानी कि आप उसे भूल जाओ। और जो आपके लिए कोई अच्छा करता है, जो भी अच्छी चीजें हैं लाइफ में याद रखने के लिए, उन्हें ऐसे याद रखो कि वो कभी भी मिट ना पाए, आपकी मेमोरी में हमेशा सेव हो जाए। तो मॉरल बहुत अच्छा है स्टोरी का गाइस, कि जो भी हमारी लाइफ में नेगेटिव चीजें हैं मोस्टली हम क्या करते हैं, उनको अपने दिमाग में बिठा कर रखते हैं, हमेशा उनको अपने साथ कैरी करते हैं। इससे हमें अपनी सराउंडिंग्स भी नेगेटिव लगती हैं, सब कुछ एटमॉस्फेयर जो हमारे अराउंड है वो नेगेटिव लगता है और हम नेगेटिव फील करते हैं। हालांकि हमें ये चाहिए कि हम वो चीजों को हमेशा अपने दिमाग में रखें जो हमारी अच्छी मेमोरीज है, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर दिया, उस पॉजिटिव चीज को याद रखें, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स कैरी करें और नेगेटिव चीजों को ऐसे सेव करें कि वो एक दो दिन से ज्यादा दिमाग में टिक ना पाए। सो हमें फॉरगिव करना आना चाहिए, दूसरों को माफ करना आना चाहिए, ये भी हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलता है। तो हमेशा लाइफ में खुश रहें और जो भी आपके साथ नेगेटिव होता है उसे भूल जाएं, इरेज करें, कोई आपके साथ गलत करता है उसे माफ करें और आगे बढ़ते रहें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर, पॉजिटिव एनर्जी कैरी करके, सो दैट आप अपने सपनों को अचीव कर पाएं, अपने गोल के पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ प्रोडक्टिव डे और मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्टे ब्लेस्ड।